hello everyone welcome to my channel Shade hassan's cuisine how are you all i hope you are all well today we are going to making harissa for you it is an arabian dish it is so tasty so let's see harissa but before that if you like our videos subscribe to our channel and be sure to click the bell icon so you get notifications for every new video we come across so viewers let's get started व्यूअर्स क्या हाल है ठीक है उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और अल्लाह पाक आपको हमेशा सलामत रखे आज मैं आपके लिए हरीसा बना रही हूँ जो कि अरब में बहुत शौक़ से खाया जाता है तो जिन चीज़ों की मुझे ज़रूरत है बहुत ज़्यादा चीज़ों की नहीं ज़रूरत होती इसमें गंदम मैंने ले लिया एक किलो मैंने गंदुम ली है एक किलो मैंने बीफ ले लिया आप चिकन भी इस्तेमाल कर सकते हैं तो चलें स्टार्ट करती हैं लेकिन इससे पहले एक अच्छी बात गंदू मैंने अच्छी तरह से धो ली थी और भिगो के रख दी थी कम से कम का। मैंने पाँच छः घंटे ये गंदुम भिगो के रखी थी और अच्छी तरह से ये फूल गई है तो अब मैं इसको बॉयल करूँगी तीन से चार लीटर मैंने पानी ले लिया था इसको बॉयल होने के लिए मैंने रख दिया है वन टेबल स्पून मैंने नमक इसमें डाला है घर पे ये लाजमी बनाए बहुत मज़े का बनता है ये मेरी एक कज़न है वो कतर में होती हैं और वो बहुत अच्छा हरीसा बनाती हैं मैंने उनके हाथ का बना हुआ हरीसा खाया था तो मैंने घर पे आके ट्राई किया तो बहुत मज़े का बना था तो अब मैं अपने बच्चों को भी बना के देती हूँ मेरे बच्चे बहुत शौक से ये खाते हैं हरीसा तो अब मैं इसमें गंदुम डालूँगी जितनी ज़्यादा भीगी भी होगी इतनी अच्छी आपकी फूलती है ये गंदुम अब मैं इसको कवर करने लगी हूँ और अब इसको अब हल्की आँच में मैं पकाऊंगी गंदुम को एक किलो मैंने गोश्त ले लिया था तो इसको मैंने प्रेशर कुकर में डाल दिया है एक गड्डी मैंने लहसुन की डाली है एक अदर प्याज डाल रही हूँ मैं अदरक आप देख रहे हैं थोड़ा सा मैंने अदरक लिया वन टेबल स्पून नमक थोड़ी सी दालचीनी दो तीन टुकड़े मैंने दालचीनी के लिए हैं लीटर में इसमें पानी डाल रही हूँ क्योंकि गोश्त को बहुत अच्छी तरह से गलाना है हमने घंटे के लिए हम अब इसको रखने लगे हैं चूल्हे पे माशाल्लाह आप देख रहे हैं गंदम हमारी बॉयल हो रही है तो अच्छी तरह से गली होनी चाहिए अभी सही बॉयल नहीं हुई है कम अज़ कम हमें अगर हम देश के में ये गला रहे हैं तो कम अज़ कम हमें एक से दो घंटे चाहिए होते हैं इसको सुकून से आपने ऊपर रख देना पकने के लिए ये भी हलीम की तरह बहुत देर लगती है बनाने में माशाल्लाह आप देख रहे हैं कितने अच्छे से गोश्त हमारा गल चुप है और अब ये गंदम ही हमारी तकरीबन तैयार हो गई है माशाल्लाह बहुत तो अच्छे से ये गली है गंदम हमारी गोश्त हमारा अच्छी तरह से गल गया था और इसकी हमने रेशे बना लिए चॉपर में तो अब मैं ये रेशा जो बनाया मैंने ये मसाले में मैं डालती हूँ थोड़ा सा मैंने देसी घी डाला है इसमें और हाफ़ टेबल स्पून में इसमें लहसुन डालूँगी वन टेबल स्पून में अदरक पेस्ट डालने लगी हूँ अब मैं इसकी अच्छी तरह से बुनाई करूँगी ताकि लहसुन की स्मेल इसमें ख़त्म हो जाए वन टेबल स्पून में हरी मिर्चें डालने लगी हूँ ये मैंने चॉप कर ली थी और वन टेबल स्पून में काली मिर्चें डालने लगी हूँ कुटी हुई काली मिर्चें पाउडर नहीं अब मैं इसमें देशे डालूँगी जो मैंने बनाए हैं गोश्त के और थोड़ी सी इसमें मैं इसको भुनाई करूँगी जीव ये रेशे मैंने बना लिए थे इसके और इसकी अब मैं बुनाई करने लगी हूँ थोड़ी सी वैसे तो मैं ये डायरेक्ट गंदों में डाल सकती थी रेशे लेकिन इसमें थोड़ा सा भून लूँगी ताकि इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए गोश्त की थोड़ी देर इसको मैं बुनाई करती हूँ तीन चार मिनट मैं इनको भून रही हूँ तो फिर मैं इनको गंदु में डाल दूँगी और गंदुम को अच्छी तरह से घोटा लगाना है आपने ताकि अच्छी तरह से और मिक्स हो जाए जितना आप घोटा लगाते हैं गंदुम को इतने ही अच्छा ये रेशा इसका मिक्स होता है इसमें और अच्छा बनता है ये हरीसा हरीसा तकरीबन हमारा तैयार हो चुका है और आप चख लें कि जितना आपको नमक चाहिए आप उस हिसाब से नमक डालें कुछ लोग गंदम को ग्रैंड कर लेते हैं लेकिन वो इतना टेस्टी हरीसा नहीं बनता है जितना आप घोटा लगाते हैं तो ये टेस्ट इसका आता है अच्छा तो कोशिश करें कि ऐसे ही बनाएं अगर जल्दी में बनाना है तो आप बीट कर सकते हैं बीटर से भी बीट करते हैं इसको लेकिन मुझे ये ऐसे ज़्यादा अच्छा बना हुआ लगता है और इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है और देसी घी अगर है तो माशाल्लाह फिर क्या कहने देसी घी में तो और इसका टेस्ट अच्छा आता है तो अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो हरीसा तो तब भी हाफ़ का बन जाएगा एक टेबल स्पून मैं नमक डाल रही हूँ क्योंकि मैंने चखा है तो मुझे कम लग रहा था नमक तो ये आपने अपने हिसाब से डालना होता है नमक आप ये ना किया करें कि जो मैं आपको बताती हूँ नमक इतना डालना है तो उस हिसाब से आपने डालना है आपने चखना होता है तो फिर आपने नमक डालना होता है घरों में नमक कम खाते हैं कुछ में ज़्यादा खाते हैं तो इसलिए आप अपने टेस्ट से आप नमक डालें थोड़ा सा मैंने देसी घी ले लिया है थोड़ा सा इसमें प्याज ब्राउन करके रखे हुए थे वो डालूँगी क्योंकि इससे खुशबू बहुत अच्छी हो जाती है हरीसे की हम ऊपर गार्निश के लिए भी डाल रहे होते हैं लेकिन ये इसके अंदर अगर हम डाल देते हैं तो इससे खुशबू बहुत अच्छी आ रही होती है हरीसे की तो इसको थोड़ा सा मैं भून के उसके अंदर डालने लगी हूँ ताकि इसका टेस्ट और अच्छा हो जाए हरीसे का यक़ीन करें कि आप घर पर बनाएँगे तो आप बहुत पसंद करेंगे हरीसे को क्योंकि पाकिस्तान में तो बहुत कम लोग ये बनाते हैं हरीसा हरब ममालिक में बहुत ज़्यादा ये बनता है और वहाँ पर बहुत शौक से खाते हैं लोग थोड़ी देर मैंने इसको भूनना है इसमें घी में तो अब मैं उसमें डालने लगी हूँ हरीसे में इसकी खुशबू और अच्छी हो जाएगी और इसका टेस्ट भी बढ़ जाता है वैसे तो हम गार्निश के लिए प्याज ब्राउन करके रखे होते हैं हम ऊपर डालते हैं अगर आपको चटपटा चाहिए हरीसा तो आप ऊपर चाट मसाला भी डाल सकते हैं इसके ऊपर नींबू डाल लें मिर्चें डाल लें और जिसको सादा पसंद है वो सादा भी खा सकते हैं ये आपकी अपनी मर्जी होती है चलिए अब हम इसको डिश आउट करते हैं जी विवर्स मज़ेदार सा हरीसा हमारा तैयार हो चुका है माशाल्लाह से बहुत टेस्टी है हरीसा बनना है तो आप घर पे लाजमी ट्राई करें और मुझे उम्मीद है कि ये बुज़ुर्ग लोग बहुत शौक़ से खाएंगे और क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मसाले नहीं डाले मैंने बहुत आसान तरीके से मैंने आपको ये बताया तो अगर आपका ये हरीसा अच्छा बने तो मुझे कमेंट्स करके बताएं वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मुझे दुआओं में याद रखें और अल्लाह पाक आपको भी हमेशा से तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी फरमाए आमीन अल्लाह हाफ़िज